तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की विज्ञान के बारे में, जिसमें अभी तक हम लोग 6 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका सातवां चैप्टर, सातवां चैप्टर है आपका मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है, आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था। अब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? आखिर इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की अनुकूल के लिए जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, इसे एक कहानी की तरह पढ़िए या फिर सुनिए, क्योंकि इसमें अगर आप लोग अच्छे से सुनते हैं तो 90 से 95% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आराम से। लास्ट में जो शब्द दिए जाते हैं उनकी परिभाषा जान लीजिए और जो निष्कर्ष बताया जाता है लास्ट में उसे भी सुन लीजिए बस। तो बात करते हैं हम लोग मौसम। 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता, वर्षा या यदि वर्षा हुई हो के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन की मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है इसमें। ठीक है, यह आपका एक न्यूज़पेपर की क्लिप। सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 और सोमवार को सूर्योदय 7:15 पर होगा। मौसम की इस रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। क्रियाकलाप 7.1, किसी भी समाचार पत्र से पहले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक सीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। ऊपर सारणी के सभी कॉलम में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े दीजिए। ये आपको नहीं करना है, ठीक है, पढ़ के निकल जाना है इसे, क्योंकि अगर एक करते बैठ गए आप लोग तो 1-1.5 साल इसी में गुजार दोगे। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है।
देखिए अब इतनी सी परिभाषा इसकी बताने के लिए कितनी कहानी गढ़ी है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। क्या कह लेते हैं? मौसम के घटक आपके तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक हो सकते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम का एक अत्यंत जटिल परिघटना है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए। आपको अवश्य अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करके ने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं है। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 का सेलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। देखिए ये आपका अधिकतम तापमान, ये दिनांक है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं हम लोग। क्या आपने अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्राप्त प्रातः भोर सुबह जो होता है उसी टाइम होता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहाना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है? आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है। क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करने के इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास करें। छोड़िए इसे, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। जलवायु मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए। इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। याद रखिए, हमें वही पॉइंट लेना है, याद रखना है जो हमारे लिए जरूरी है। ये प्रयोगशाला जो भी पैटर्न दिया गया है इन्हें छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, बस पढ़ के निकल जाना है हमें, ठीक है? क्योंकि ये करते बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे लिए नहीं है, जिसके लिए बुक्स बनाई गई है कक्षा 7वीं की बच्चों के लिए। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त तो उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के दो शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना दो चरणों में की गई जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमान की गणना करते हैं। इससे हमें औसत मध्यमान तापमान मिल जाता है। दो स्थान यानी कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम, एक आपका उत्तरी छोर एक आपका दक्षिणी छोर,
साइडिंग 7.2 और 7.3 में देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र, जिससे वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च देखा जाता है, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। एक किसी मरुस्थल जलवायु के लक्षण, यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। ये आपका जलवायु श्रीनगर जम्मू कश्मीर जलवायु के बारे में जानकारी, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल जलवायु के बारे में जानकारी। देखिए जनवरी का माइनस दैनिक न्यूनतम तापमान -2.3, दैनिक अधिकतम 4.7, औसत कुल वर्षा यहाँ 57 mm होती है। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। ठीक है, वहां डलेगी। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला होता है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र और समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया है कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफी भिन्न होगा। बात करते हैं हम लोग जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी कक्षा 6वीं की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश के अनुकूल में सहायक होते हैं विकास की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, या हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा में आपने कुछ आवासों वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में कुछ में अलास्का और रूस में साइबेरियाई क्षेत्र शामिल है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की जलवायु आपकी उष्ण कटिबंधीय, वर्षावन भी पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय। अब बात करते हैं क्रियाकलाप 7.2 में। विश्व का एक मानचित्र लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दर्शाइए, इस प्रकार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से। बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है, यानी कि 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है यहाँ। 6 महीने तक रात होती है और 6 महीने तक दिन। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है।
यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के अनुकूलित हो जाते हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार यहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल फर होते हैं, जिससे वे बस बर्फ की सफेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपनी परभक्षियों से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों फर की दो मोटी परत होती हैं, इसलिए त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीरे धीरे धीमे धीमे चलते हैं, ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में बहुत ही क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्र जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक भी होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायता देते हैं या सहायक होते हैं। तैरते समय अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ये ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति घ्राण शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूल लंग को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यह आपका ध्रुवीय भालू, पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा और देख लें। चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीतरोधित होता है और इसे गर्म रखता है। इसके शरीर पर बालों को की दो मोटी परतें होती हैं, यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, यह भालू को अपनी शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। इसके नखून नखर मुड़े हुए लंबे तैरने और पैने होते हैं, यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों का एक अन्य परजीवित जंतु है पेंगुइन। ये भी सफेद श्वेत होते हैं, इस तरह से आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में बेस में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वर्षा होती है। आपने पिगमिनों के झुंड के चित्र देखे होंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए भी ऐसा करते हैं। याद कीजिए, जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितने गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पिगमिन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका सारा शरीर धारारेखीय होता है, इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे अच्छे तैराक होते हैं। देखिए पिगमिन के पैर। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेन डियर, लोमड़ी, पर्याप्त सील, पेल, अन्य अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि यहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के ही आते अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते हैं कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आद्य स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास करते हैं। आपने जब गंगा में देखा हो, गंगा नदी में,
इस तरह के पक्षी दिखते हैं। तो यही है आपके प्रवासी पक्षी। क्या आप जानते हैं कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होती है। इस ऊंचाई की शीत परिस्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भूत चिन्हों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को इन दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीने में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा भी होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतु में आपका बंदर, कपी, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट शामिल हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने के में सहायता करते हैं जिन पर भी रहते हैं। यह आपका लाल नेत्र वाला मेंढक देख लीजिए। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थाम सकते हैं। ये आपका न्यू वर्ल्ड मंकी या बंदर, ठीक है। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए आपको टोकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच जाते हैं जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। ये आपका टूकन पक्षी देख लीजिए। किताबों में ही सही तरह तरह के जीव जंतुओं पक्षियों से मिलते रहिए। फिर आपका उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदन शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे बर्ड यानी कि रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी पर पक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लोयन टेल लंगूर जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं,
पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद श्वेत आयल, जो सिर के चारों ओर गालों, चिबो, टोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है आपका, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प, कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाकर उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें हम लोग रथ कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद की वृक्षों की छाल को आसानी से छीन सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को ही भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। यह है भारतीय हाथी, देख लीजिए। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना है? अनुकूलन देखा है, जलवायु भी देखिए, मौसम के घटक देखे, आर्द्रता देखिए, अधिकतम तापमान भी देखा है, प्रवास देखा है, न्यूनतम तापमान देखा है, ध्रुवीय क्षेत्र देखा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखें, मौसम भी देखा है। इन्हीं शब्दों की हमें परिभाषा जानने के लिए हम लोग इस तरह के अध्याय पढ़ते हैं, ठीक। और इन्हें क्लियर करने के लिए इन कॉन्सेप्टों को हमें सलाह दी जाती है सीईआरटी पढ़ने की। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा है इस अध्याय में? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं दो अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः दोपहर के बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान भोर में होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए रूप या पैटर्न को उस स्थान की हम लोग जलवायु कहते हैं या निर्धारित करते हैं उससे। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थिति होती है। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह बास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और 6 से 6 महीने में सूर्योदय नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्र में जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों या उनके नाखून के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन भी है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार की के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज, फलों का आहार, सुनने की संवेदन शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं।
यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग पीडीएफ आपकी डली हुई है टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए, एक बार उसे भी पढ़ लीजिए, बस निकल जाइए, बहुत है इतना। तो ये था आपका 7वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में।